अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जोहा यासीन और आज हम बना रहे हैं रेजिन की ये खूबसूरत सी ट्रे। अगर आप हर स्टेप को फॉलो करते हैं तो इसको बनाना इंतहाई आसान है। ये रेजिन ट्रे आपकी निकाह में भी, एंगेजमेंट में भी और मेहंदी में भी यूज की जा सकती है। इस ट्यूटोरियल से आपको आइडिया मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने किसी भी फंक्शन के लिए खुद कस्टमाइज ये बना सकते हैं। जो रेजिन ट्रे हम बना रहे हैं वो 10 इंच का तैयार होगा। तो रेजिन ट्रे बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए उसमें है रेजिन, आप किसी भी कंपनी की रेजिन यूज कर सकते हैं, ग्लास रॉक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, गोल्ड फ्लेक्स, प्लास्टिक कप्स, बबल बस्टर, सिलिकॉन कप, प्रिंटेड कलर्स, स्टिकर शीट जो आप किसी भी प्रिंटर से निकलवा सकते हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स, परमानेंट मार्कर, फेक प्रेस्ड फ्लावर्स जो इजीली दराज पे मिल जाएंगे, मेजरिंग स्केल, ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है वरना रेजिन हमारे हाथ पे चिपक जाएगी। सबसे पहले हम रेजिन को प्लास्टिक कप में डाल लेंगे। यहाँ मैं रेजिन की अमाउंट 145 ले रही हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं हार्डनर ले रही हूँ, हार्डनर का रेशो मैं 2 रखूंगी यानी की 72 या 73। आप देख सकते हैं 2 रेशो रेजिन है और 1 रेशो हार्डनर है। अब हम इसे बहुत स्लोली मिक्स करेंगे। अगर हम इसको बहुत तेजी से मिक्स करेंगे तो इसमें बबल आ सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि रेजिन कितनी क्लाउडी है, हमने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रिस्टल ना हो जाए। अब यहाँ हम ग्लास रॉक को मोल्ड के अंदर सेट कर लेंगे। तो इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं मिल रही तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ गोल्डन फ्लेक्स सिलिकॉन कप में डाले हैं और इसके अंदर हाफ अमाउंट रेजिन की डाल दी है। इसे धीरे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना आए। सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर मैं बबल बिस्टर की एक स्प्रे कर दूंगी ताकि हमारी रेजिन अच्छे से सेट हो जाए और इसमें कोई बबल ना आए। रेजिन को हम रॉक्स के ऊपर भी डालेंगे ताकि रॉक्स अच्छी तरह अपनी जगह पे ठहरे रहें। यहाँ दूसरे सिलिकॉन कप में मैं हाफ अमाउंट रेजिन ले लूंगी और इसके अंदर अपनी मर्जी के कलर मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैं सिल्वर और सिल्वर ग्रे ले रही हूँ। मैं अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने इवेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। अब मैं इस कलर को बहुत धीरे से मिक्स कर लूंगी, याद रहे हमारे रेजिन में बबल नहीं आने चाहिए। अब मैं इस रेजिन को बाकी स्पेस में डाल दूंगी लेकिन ये वाली रेजिन हम रॉक्स के ऊपर नहीं डालेंगे। रेजिन को हम आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से सेट कर लेंगे। यहाँ जो मेरी लास्ट अमाउंट रेजिन बची है वो मैं ऐसे रॉक्स के ऊपर डाल दूंगी ताकि हमारे रॉक्स सेट हो जाएं और वहाँ से टस से मस ना हो। बबल फ्री करने के लिए इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। इसकी खूबसूरती को इनहेंस करने के लिए फ्लावर्स भी लगा देंगे। जब हमारी रेजिन 50% ड्राई हो जाएगी तब हम पेपर शीट को कट कर लेंगे। कटिंग जितनी सफाई से हुई होगी ट्रे पे उतनी ही खूबसूरत लगेगी। स्केल की हेल्प से पहले आप मेजर कर लीजिएगा ताकि हमारे स्टिकर इधर उधर ना लगे। स्टिकर लगाने के बाद मैं इसे कंप्लीट ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो हमारी रेजिन कम्प्लीटली ड्राई हो गई है लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है, तो चलें इसको कम्प्लीट भी आज ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है वरना रेजिन आपके हाथ पे चिपक सकती है। मेजरिंग स्केल पे प्लास्टिक कप रख लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ रेजिन। मैं रेजिन की अमाउंट ले रही हूँ 120, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हार्डनर। हार्डनर की अमाउंट मैं 60 ले रही हूँ। इसे भी हम बहुत धीरे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई बबल ना आ पाए। याद रहे यहाँ मैं आप लोग को स्पीड फास्ट करके दिखा रही हूँ लेकिन आप लोग ने इसको बहुत बहुत धीरे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रिस्टल वाइट ना हो जाए। यहाँ रेजिन क्रिस्टल वाइट हो गई है, अब इसे मोल्ड के अंदर डाल देंगे। याद रहे हमने रॉक्स के ऊपर भी रेजिन डालनी है। आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इसे हर जगह फैलाएं। बबल फ्री करने के लिए इसके ऊपर स्प्रे कर दूंगी। ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। 24 आवर्स हो गए हैं और यहाँ हमारी रेजिन ट्रे बिल्कुल तैयार है। इसे मोल्ड से आराम आराम से निकालेंगे, ये ना हो कि हमारा मोल्ड टूट जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक के बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मोल्ड से निकलने के बाद हमारी रेजिन ट्रे कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके शार्प एजेस को नीट करने के लिए मैं कटर की हेल्प से इसको कट कर दूंगी। केयरफुली इसे कट करना है कहीं आपका हाथ ही ना कट हो जाए। यहाँ मेरे पास कुछ परमानेंट मार्कर हैं जिसकी हेल्प से मैं इसकी साइड को कलर कर लूंगी। इस साइड में कलर्स करने के बाद इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाए।
जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी रेजिन ट्रे बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसके अंदर बीड्स भी लगा सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको अभी भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।